नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया स्टॉक लेकर के आया हूं जिसका नाम है टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये स्टॉक अभी 47.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि इसमें मैंने लिखा हुआ है हिडन जेम्स, यानी एक छुपा हुआ हीरा। तो आप इस टाइटल को देख करके या इस जो मैंने बॉटम लाइन में जो दिया है ये हिडन जेम्स, ये देख करके ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी शेयर की बात बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर करने वाला हूँ, मगर ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगा, मैंने इस कंपनी का जो फंडामेंटल, और अचानक मैं कुछ देख रहा था, कुछ फंडामेंटल और अच्छी कंपनी, और मैं 50 रुपये के अंदर की कुछ कंपनी देख रहा था जो 50 रुपये से कम पे ट्रेड करती हो, उसमें मुझे ये कंपनी जो है वो नज़र आई। इसमें इसका बिजनेस मुझे अच्छा नज़र आया, इसका जो बिजनेस का जो ग्रोथ है, जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो मुझे बहुत अच्छा नज़र आया। इसका जो सेक्टर ग्रोथ है वो भी मुझे बहुत अच्छा नज़र आया और मुझे लगा कि ये कंपनी कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूएशन है। तो यही कारण है कि मैंने इसका नाम दिया है ये हिडन जेम्स, यानी कि अभी ये पूरी तरीके से ये हीरा भी चमका नहीं है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी जो है वो अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब मेरे ऐसा कहने के पीछे रीजंस क्या है, क्या लॉजिक है, और मैं अपने इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में मैं क्या क्या आप लोगों को दिखा सकता हूँ, तो आइए हम उस पर बात करते हैं। मगर आप ये टाइटल देख करके ऐसा ना समझें कि मैं इसको बहुत ज़्यादा एग्जिगरेट कर रहा हूँ, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मैं कोई बात कर रहा हूँ, ऐसा आप बिल्कुल भी ना समझें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखें, ये BSE पे ये जो है टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से ये लिस्टेड है, NSE पे भी लिस्टेड है, और इसका जो प्राइस है वो 47.20 रुपये का है। ये फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग है और इस कंपनी के बारे में अगर हम आगे देखें तो इसका 52 वीक हाई जो है वो 48 रुपया है। मतलब आप ये जान जाइए कि ये अब ऑलमोस्ट अपने जो 50 वीक हाई पे ही ये कंपनी ट्रेड कर रही है, और 50 वीक लो जो है इसका 9.46 रुपये का है, यानी कि हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। ये अच्छी कंपनी थी, हम लोगों के नज़र में ये कंपनी आई नहीं, क्योंकि अभी आप देखिए अगर हम लोगों ने इस प्राइस पे, अगर 10 रुपये के भी प्राइस पे लिया होता तो आज ये कंपनी जो है वो 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट हमें दे चुकी होती। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो यही कारण है कि ये कंपनी जो है वो मुझे पहले नज़र नहीं आई और मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन खैर, अभी बहुत देर नहीं हुआ है, क्योंकि इस कंपनी में जो पोटेंशियल है, जो इसके अंदर मुझे ग्रोथ नज़र आ रहा है, वो लग रहा है कि यहाँ से मल्टीफोल्ड जो है रिटर्न हमें मिल सकता है और ये फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। और इस कंपनी में मेरा इतना ऐसा कन्विक्शन है कि मुझे लग रहा है कि अभी जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि 50 रुपये से कम के 5 स्टॉक्स, उस स्टॉक्स में अगर ये कंपनी मेरे नज़र में पहले आ गई होती तो मैं इस स्टॉक्स को ज़रूर इंक्लूड करता उसमें। 10% का इसके अंदर सर्किट है और मार्केट कैप आप देखें तो इसके अंदर मात्र 137 करोड़ का या 80 लाख यानी 138 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी बहुत ही स्मॉल कंपनी है। तो स्मॉल कंपनी है तो रिस्क तो है, मगर रिस्क से ज़्यादा मुझे इस कंपनी में रिवार्ड लग रहा है। आइए अब नीचे आते हैं और हम बात करते हैं इस कंपनी का जो फिनांशियल है, मैं हम उसकी बात करते हैं, थोड़ा सा देख लें। देखिए, सितंबर में इस कंपनी ने 81 करोड़ 30 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि दिसंबर में आप देखिए लगभग ये 50% का इसने अपसाइड दिखाया है और 50% ज़्यादा रेवेन्यू इसने जनरेट किया है दिसंबर में। अभी इसका मार्च का रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि मार्च में इसमें और अच्छा देखने को शायद मिल सकता है। नेट प्रॉफिट सितंबर में इसका 1.72 करोड़ का था, जो कि दिसंबर में बढ़ करके 3.27 करोड़ हो गया। EPS इसका सितंबर में 65 पैसे का था, जो दिसंबर में बढ़ के 1.12 रुपये का हो गया। कैश EPS 1.21 रुपये का था, वो बढ़ करके 1.70 रुपये हो गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसने लगभग सेम रखा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी इसने मेंटेन किया है। थोड़ा सा इसने मार्च में हमें ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो दिखाया है। तो ये डेटा देख करके लग रहा है कि ये अच्छी कंपनी है और ये जो कंपनी है ये PVC पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसकी जो है सो फिटिंग में भी काम करती है।
ये कंपनी जो है ये लगभग 10-12 साल पुरानी कंपनी है। तो अगर हम इसको देखें, ये देखिए स्क्रीनर में मैं आ गया हूँ, टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में लिखा हुआ है। टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। मार्केट कैप जैसा मैंने बताया 138 करोड़ का है, और मार करने वाली वैल्यू यह है कि इसका जो करंट प्राइस है वो 47 रुपये 20 पैसे का है, जबकि इसका बुक वैल्यू जो है वो 73 रुपये 5 पैसे का है। यानी कि अपने बुक वैल्यू से ये कंपनी लगभग 80-90% कम पे हम लोगों को अवेलेबल है। यानी कि शेयर को लपक लेना चाहिए। इसका फिनेंशियल तो हमने दिखा दिया आपको कि कितना अच्छा ये कंपनी परफॉर्म कर रही है, प्लस ये कंपनी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है। स्टॉक पी इस कंपनी का 19.7 है, जबकि इंडस्ट्रीज पी इस कंपनी का 24.5 है। यानी इंडस्ट्रीज के पी से भी ये कम पे अवेलेबल है। आरओसी इसका 6.69% है, जो बहुत बुरा नहीं है। आरओई 2.22% है, थोड़ा कम तो है मगर फिर भी ये खराब नहीं है, निगेटिव में नहीं है। फेस वैल्यू अगर इसकी हम देखें तो ये 10 रुपये का फेस वैल्यू है। आप देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत से शेयर का आप देखेंगे 1 रुपया फेस वैल्यू है मगर ये 10 रुपया फेस वैल्यू का है। कंपनी के पास रिजर्व जो है वो 188 करोड़ का है। अब देखिए यहाँ पे 138 करोड़ का मार्केट कैप और 188 करोड़ का रिजर्व, ये शो करता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। इसलिए मैंने एक हिडन जेम्स जो है इसका मैंने बॉटम लाइन दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एग्जरेट नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, क्योंकि कंपनी उस चीज़ को प्रूफ कर रही है जो मैं बोल रहा हूँ। तो 188 करोड़ का रिजर्व है इसके पास और 43 करोड़ का डेप्थ है, यानी डेप्थ टू इक्विटी 0.20 है। तो डेप्थ टू इक्विटी भी है, बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर 44% का है और प्लेस्ड एक भी शेयर नहीं है। डीआई की होल्डिंग 0.23%, बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपको पता है कि ये स्मॉल कैप की कंपनी है और ये कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में है। ये कंपनी जैसे जैसे और बड़ी होगी तो इसके अंदर डीआई और एफआईआई जो है इसके अंदर आएंगे। और देखिए कंपनी के पास जो कैश फ्लो है वो भी लगभग 14 करोड़ का कैश फ्लो है, बहुत स्ट्रांग कंपनी है। ईपीएस की बात करें तो 2.53 का इसका ईपीएस है। तो फंडामेंटल हमें कहीं भी किसी भी तरीके से निराश नहीं करता, चाहे इसका सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट हो चाहे इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट हो। और ये अगर हम देखेंगे तो देखिए बीएसई पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, टेक्समो पाइप्स रिपोर्टेड वेरी पॉजिटिव फिनेंशियल परफॉर्मेंस इन दिसंबर 20। द स्कोर हैज इम्प्रूव टू 24 फ्रॉम 13 इन द लास्ट 3 मंथ्स। यानी 13 से सीधे 24, मतलब इसने दुगना जो है अपने रैंक को इम्प्रूव किया है। तो हर तरीके से ये कंपनी जो है ये सूट करती है। अब आइए इसके नीचे जो है हम कुछ और चीजें देखते हैं। देखिए ये इसकी पीयर ग्रुप कंपनी कौन सी कंपनी, अस्ट्रल, अस्ट्रल्स लिमिटेड, आपको पता है जिसका अभी सीएमपी प्राइस जो है वो 1753 रुपया चल रहा है। ये इसी सेक्टर की कंपनी है और आप इसका अगर पी देखेंगे तो इसका पी जो है 87 का मिलेगा, जो कि बहुत महंगे पी पे ट्रेड कर रहा है। और इसके आसपास का अगर आप पी देखेंगे तो फिनोलेक्स इंडस्ट्री ही इसके आसपास का जो है सो पी पे ट्रेड कर रहा है, मगर उसका प्राइस भी देखिए 156 रुपया, बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो भी 2180 इसका जो है वो सीएमपी है, यानी करंट मार्केट प्राइस है। तो इसके जो पीयर ग्रुप्स में आते हैं वो अस्ट्रल आते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज आती है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है, प्रिंस पाइप्स है, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज है और नीलकमल लिमिटेड है। यानी देखिए कि कितने शानदार सेक्टर से बिलोंग करती है ये कंपनी, जो हमें मात्र 47 रुपये पे अवेलेबल है। और बाकी जो इस सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। यह रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री तो देखिए आप 189.72 यानी 190 के पी पे अवेलेबल है। तो इस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है। अब आइए इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखिए, अब थोड़ा सा ये जून का दिखा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर दूं तो ताकि आप इसका देख सकें। सितंबर थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ तो ये आप दिसंबर का देख सकें, छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा फिर भी मैं पढ़ करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए इस कंपनी का सेल्स जैसा मैंने आपको बीएसई के साइट्स पे भी दिखाया, सितंबर में 81 करोड़ 30 लाख का था, जो दिसंबर में बढ़ करके 128.28 करोड़ का हो गया। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो सितंबर में 5.69 का था, जो कि बढ़ करके दिसंबर में 7.7 हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
वो इसका 7% का था जो कि थोड़ा सा 1% कम हुआ है, 6% का हुआ है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो सितंबर में 1,48,00,000 का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ करके दिसंबर में 3,19,00,000 हो गया, और ईपीएस जो 56 पैसे का था वो बढ़ करके 1,09 रुपया का हो गया। यानी हर जगह आप बढ़ते हुए ही इसको देखेंगे। अब आइए हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं। तो देखिए मार्च 2019 में इसका जो सेल्स था वो 306 करोड़ का था, मार्च में बढ़ करके 326 करोड़ हो गया, और TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका 362 करोड़ तो अभी ही दिखा रहा है। ये क्लियर है आपके सामने कि ये TTM में 326 करोड़ से बढ़ करके 362 करोड़ दिखा रहा है, तो सोचिए इसका प्राइस तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ऊपर जाएगा। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च में जो है ईयर ऑन ईयर, अब मैं कर रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मैंने कंपेयर कर दिया, अब ईयर ऑन ईयर पे मैं आ रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसका 17% का था मार्च 2019 में, मार्च 2020 में 22% हुआ, और TTM के अनुसार ये 24% का होने जा रहा है। तो ईयर ऑन ईयर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा जो है वो साइन है। किसी भी कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इंक्रीज करता है तो ये एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही गुड साइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, मैं परसेंटेज की, तो मार्च 2019 में 6% था, और मार्च 2020 में 7% था, और TTM में अभी भी ये 7% दिखा रहा है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए मार्च में 10 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी पे करती थी, सॉरी मार्च 2019 में, 2020 में 11 करोड़, 1 करोड़ बढ़ गया, मगर अभी इसका 2 करोड़ और नीचे हो गया। तो भाई साहब इसमें कुछ कहना नहीं है। कंपनी की ईपीएस की बात करें तो आप ये देखिए 2019 में 1,13 रुपया का ईपीएस था, 2020 में 1,50 रुपया का ईपीएस है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 2,53 रुपया का ईपीएस दिखा रहा है। तो ईपीएस भी इसका जो है बहुत बढ़िया है। कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो चूंकि कंपनी अभी जो ये 5 ईयर्स का डेटा अवेलेबल है, तो 5 ईयर्स में 1% का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ था, लेकिन 3 ईयर्स में बढ़ करके 3% हो गया, और ये ट्रेलिंग 12 मंथ में 6%, जस्ट डबल इसका जो है वो एक्सपेक्टेशन है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 6% का प्रॉफिट था, और 3 साल में 78% का प्रॉफिट इसने दिखाया है, और TTM जो है अभी उससे भी आगे 43% का दिखा रहा है। अगेन वेरी गुड साइन। नाउ आई एम कमिंग टू अ स्टॉक प्राइस CAGR। हेयर 5 ईयर्स में इसने 9% का दिखाया है, 3 ईयर्स में 35% है, एंड 1 ईयर में, यानी इसको TTM में देखिए तो इसको 381%, वह बहुत अच्छा है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी भी बात करें तो 1%, 1% और 2%, ये भी बहुत सही है। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में आप ये देखिए, रिजर्व में दिखाता हूँ। रिजर्व देखिए मार्च 2018 में 167 करोड़ का रिजर्व था, मार्च 2019 में 175 करोड़ बढ़ गया, मार्च 2020 में 186 करोड़ फिर बढ़ गया, और सितंबर में जो है 188 करोड़ फिर बढ़ गया। तो ये जो है इसका रिजर्व आप ये देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी कंपनी है। फंडामेंटल तो कहीं भी इसका आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इस कंपनी का जो है वो फंडामेंटल खराब है। अब आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देखिए, सितंबर में प्रमोटर के पास सिर्फ 38.15% था, जबकि दिसंबर में उसने सीधे 6% बढ़ाया, यानी 44.24%, जो कि मार्च में वे भी उतना ही है। तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रमोटर्स को लग रहा है कि एक कंपनी आगे बढ़ेगी, मुझे अपनी होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। तो भैया ये भी एक बहुत अच्छा साइन, कहीं भी आपको कोई भी चीज़ जो है इसमें खराब नहीं लगेगा। इसलिए मैंने इसका नाम हिडन जेम्स रखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे एस्ट्रल ने जो है वो जबरदस्त जो प्रॉफिट दिखाया है, ग्रोथ दिखाया है, ये कंपनी उसी पाथ को फॉलो कर रही है, तो हम लोग सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रल की तरह। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी अनदर एस्ट्रल लिमिटेड, आई एम नॉट सेइंग सो, लेकिन जिस तरीके से कंपनी ग्रोथ दिखा रही है तो हमें इसके अंदर वी कैन एक्सपेक्ट ह्यूज पोटेंशियल एंड ह्यूज ग्रोथ इन दिस कंपनी, बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेम सेक्टर व्हाट एस्ट्रल लिमिटेड हैज। सो कोई डाउट वाली बात इसके अंदर नहीं है। DI की होल्डिंग जो है वो 20.0.23 है, बिल्कुल सही है। पब्लिक के पास देखिए, पब्लिक की होल्डिंग पहले 61.61% हुआ करती थी, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी घटी है 55.54,
दिस इज अगेन ए वेरी गुड साइन, क्योंकि अगर पब्लिक का जो है रिड्यूस हो रहा है तो प्रमोटर अपना बढ़ा रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हमने बात किया टेक्समो पाइप्स लिमिटेड के बारे में, उसके फिनेंशियल के बारे में। तो अब सब लोग जानना चाहते होंगे कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है, ये कंपनी जो है वो क्या इसका बिजनेस है, ये कंपनी क्या-क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अब हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा माफी चाहूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि मैं जो भी बताऊं आपको डिटेल में बताऊं, मैं चाहता हूं कि यू मस्ट बी सेटिस्फाइड फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट्स बिफोर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट फर्स्ट, देन यू शुड इन्वेस्ट। तो मैं आता हूँ टेक्समो पाइप्स के ऊपर। अब आइए इसके प्रोडक्ट से बात करते हैं। तो इसके प्रोडक्ट्स में देखिए, ये CPVC पाइप्स एंड फिटिंग, ये इसका एक प्रोडक्ट है, आप देख रहे हैं। उसके बाद आप आइए इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है SWR पाइप्स एंड फिटिंग्स, सारे PVC हैं इसके। तीसरे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो प्लम्बिंग पाइप्स एंड फिटिंग्स। चौथे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये देखिए सबमर्सिबल कॉलम पाइप। अगले प्रोडक्ट है इसका रिजिड PVC पाइप्स एंड एग्रीकल्चरल फिटिंग्स, यानी ये एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ये कैटर करती है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आइए केसिंग पाइप्स फॉर ट्यूब वेल्स, यानी देखिए ये जो है ये हमने बताया एग्रीकल्चर फिटिंग्स, और ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में है, यानी ये होम घर के लिए भी काम करती है, या जो भी फ्लैट्स वगैरह जो बड़े बड़े टावर होते हैं उस सेगमेंट को भी ये कैटर करती है, ये एग्रीकल्चर को भी कैटर करती है। उसके बाद देखिए होप कोयल्स, होप कोयल्स क्या होता है, ये भी आपको पोटेबल वाटर सप्लाई, इरिगेशन स्कीम्स, केमिकल्स एंड एडेबल्स ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। तो ये भी इरिगेशन भी क्या है, इट बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर। नाउ आई एम कमिंग ऑन नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज PLBSDP डक्ट। ये भी जो है सो कंपनी, ये ऑप्टिकल केबल और मेटल केबल यूज्ड एज बेसिक बैकबोन इन कम्युनिकेशन। तो यानी क्या हुआ, ये ऑप्टिकल केबल भी बनाती है, और इससे ये कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि जो भी टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनी है ये उसको भी कैटर करती है, यानी कि ये रेसिडेंशियल सेक्टर को भी कैटर करती है, टेलीकॉम सेक्टर को भी कैटर करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कैटर करती है। और क्या चाहिए, HDPE स्प्रिंकलर्स पाइप्स एंड फिटिंग, स्प्रिंकलर्स मतलब जिससे छिड़काव होता है, ये उसको भी कैटर करती है। आइए नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इट अगेन बिलोंग्स टू इरिगेशन सेक्टर। तो ये, और आपको पता है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। नाउ इट इज सक्शन हॉक्स, सक्शन हॉक्स क्या होता है, जो हम ड्रेन वगैरह करते हैं जिससे पानी वगैरह जो है सो ये उसको सोखने के लिए जो हम करते हैं, ड्रेनिंग के लिए करते हैं, ये उसमें भी काम करती है। उसके बाद गार्डन पाइप्स, तो गार्डन पाइप्स भी एग्रीकल्चर में यूज होता है एंड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो रेंज है इट इज वेरी वेरी वाइड एंड इट कैटर मेनी सेक्टर्स, सो यू हैव टू बी होपफुल इन दिस कंपनी व्हेन यू यू नो मेक एन इन्वेस्टमेंट एंड मेक होल्डिंग। सो और क्या है, कंड्यूट पाइप्स, ये क्या होता है, ये वायरिंग इन हाउसेस, इंडस्ट्रीज, ट्रैफिक सिग्नल एटसेट्रा, तो ट्रैफिक सिग्नल्स। उसके बाद आगे आते हैं, देखिए सॉल्वेंट भी कंपनी बनाती है, सीमेंट के लिए सॉल्वेंट बनाती है, आपको पता है सीमेंट वगैरह में जो मिक्स किया जाता है सॉल्वेंट्स, ये कंपनी उसमें भी काम करती है। तो ये जो है कंपनी का आपने प्रोडक्ट रेंज देख लिया, कंपनी जो है वो इसका प्रोडक्ट का जो रेंज है वो बहुत अच्छा है, सेक्टर कैटरिंग का जो इसका रेंज है इट इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी वाइड। तो ये हुई बात उसकी। अब आइए हम बात करते हैं कि कंपनी के, अच्छा कंपनी के जो है, इसके पहले बात करेंगे कंपनी के जो है वो 2,500 टोटल नंबर ऑफ डीलर्स हैं, सो वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क इसका भी बहुत बड़ा है। कंपनी के पास 53 टोटल ओन व्हीकल्स हैं एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 553। तो स्मॉल कैप कंपनी है मगर उसके हिसाब से कंपनी का जो बिजनेस है इट इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट, ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है जैसा मुझे लगता है। अब आइए आपको एक और चीज दिखाता हूं तो देख करके आपको मजा आ जाएगा, मजा इन द सेंस कि आपको इस कंपनी पे विश्वास होगा, आपको कन्विक्शन होगा, आपको लगेगा कि नहीं यार ये कंपनी जो है इसके प्रोडक्ट का डिमांड तो बहुत अच्छा बढ़ेगा और कंपनी कैन डू गुड इन फ्यूचर, कैन डू वेरी वेल इन फ्यूचर। नाउ आई एम कमिंग ऑन क्लाइंट सेक्शन। तो सबसे पहले देखिए कंपनी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसके क्लाइंट्स हैं, और कौन कौन से क्लाइंट हैं, क्लाइंट्स हैं देखिए BSNL, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ऑप्टिकल जो है सो वो
फाइबर भी बनाती है, उसके बाद CSIDC, उसके बाद ये गुजरात की कोई कंपनी है, मैं मुझे नहीं पता। देखिए इंडियन रेलवे भी इनके क्लाइंट्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, देख रहे हैं आप। उसके बाद ये महात्मा ज्योति फूले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, सॉरी ये क्या है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, बरेली में जो विश्वविद्यालय है महात्मा ज्योति फूले, तो उस यूनिवर्सिटी में भी इसके प्रोडक्ट्स लगते हैं। एंड नाउ MTNL विच बिलोंग्स टू कम्युनिकेशन सेक्टर, MTNL भी इसके क्लाइंट है। ये देखिए पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके क्लाइंट का भी जो लिस्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत जानदार है इसके क्लाइंट्स भी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस कंपनी के अंदर कोई दम नहीं होता, इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ स्ट्रेंथ नहीं होता, तो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो कभी भी इस कंपनी से प्रोडक्ट नहीं खरीदती। आगे ये कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें, नाउ यू कैन सी टाटा पावर, आप देख रहे हैं इसको, यानी कि जो कॉरपोरेट सेक्टर में भी इसे क्लाइंट को देखिए। देखिए वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशंस, सीमेंस, और क्या चाहिए सर, ये कंपनी डीलर नेटवर्क जो है इस कंपनी का, जैसे मैंने बताया कि ये सारे डीलर नेटवर्क हैं, गोपाल मशीनरी स्टोर्स, KM Sahay एंड सन्स इंडोर, तो खैर ये तो आप ज़्यादा नहीं लिक्रेटिव लगेगा हम लोगों को, लेकिन ये सीमेंस, रिलायंस कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया, टाटा पावर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, MTNL, आपका भारतीय रेल, तो ये सब चीज़ देखने के बाद हमें ये लगता है कि ये कंपनी जो है बहुत अच्छी कंपनी है। अगर हम अस्ट्रल की बात करें तो अस्ट्रल में देखिए क्या लिखा हुआ है, अस्ट्रल में लिखा हुआ है कि एम्स टू मैन्युफैक्चर प्रो इंडिया प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम्स इन द कंट्री, इट हैज ऑल्सो फॉर इट, अच्छा नीचे आइए, नीचे क्या है, अस्ट्रल लिमिटेड जो है ये इट मैन्युफैक्चर्स पाइप्स एंड फिटिंग्स फॉर प्लम्बिंग, सेवरेज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, फॉर स्प्रिंकलर्स, आप देख रहे हैं। तो ये अस्ट्रल लिमिटेड जो है जो जो काम करती है वही काम जो है ये टेक्समो पाइप भी, ये कंपनी भी करती है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। अच्छा अब इसमें एक चीज और, मुझे थोड़ा सा डाउट था इसमें, वो डाउट ये था बॉस कि कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है, मतलब एनुअल जो इसका जो डेटा है, उसमें क्या होता है कि जब भी मार्च का जब भी रिजल्ट आता है तो उसमें एक चीज बड़ा स्केरी होता है, वो होता है एक्सेप्शनल आइटम्स। तो हमें ये लगता है कि यार ऐसा तो ना हो कि कंपनी ने सितंबर में 81 करोड़ का दिखाया और दिसंबर में 128 करोड़ का, और मान लो कंपनी मार्च में 150 करोड़ का रेवेन्यू दिखाती है और 200 करोड़ का जो है वो एक्सेप्शनल आइटम से लॉस दिखा देती है, तो हम तो 50 करोड़ का फिर तो कंपनी को नुकसान हो गया, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से भैया आलोक में भी आपने देखा काफी डर लगता है, एक्सेप्शनल आइटम वो सारा जो है किए किराए पे वो फ्लैश चला देता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना इसका लास्ट ईयर का यानी मार्च 2020 का इसका मैंने देखा कि यार एक्सेप्शनल आइटम्स में क्या कलाकारी है इस कंपनी में, तो उसके लिए मैंने ये देखिए डेटा निकाला। तो इसमें मैंने देखा मार्च में कि मार्च में एक्सेप्शनल आइटम्स, ये देखिए यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो एक्सेप्शनल आइटम्स में कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं आप, ये है 31/12 दिसंबर का, ये दिसंबर का डेटा है 31/12 का, तो मैं ना आपको उसका दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं, मार्च का दिखाता हूँ, तो मार्च का मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ, एक सेकंड, मैंने सारा निकाल करके रखा हुआ उसके लिए मार्च के लिए, मार्च का डेटा, तो ये जो है इसने जो किया है, और मैं व्यू और इसको रोटेट करूँ क्लॉकवाइज में, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, देखिए, तो आइए हम इसको देखते हैं कि मार्च में जो है इसका क्या कहानी है। तो मार्च में ये देखिए, मार्च में थोड़ा और मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ मार्च का, और इसको मैं यहाँ तक लेकर के आता हूँ, ठीक है सर, और थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ कि मार्च में क्या इसके अंदर हुआ है कलाकारी। तो ये देखिए, ये देखिए, देखिए इसके अंदर मार्च में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसके अंदर जो एक्सेप्शनल आइटम्स है वो एक्सेप्शनल आइटम्स इसके अंदर ये देखिए मात्र इसने 5 लाख का दिखाया है, क्योंकि ये जो डेटा है ना वो 5 लाख का है, तो इसके अंदर मार्च में सिर्फ इसने 5 लाख का दिखाया है। देखिए एक्सेप्शनल आइटम आप देख रहे होंगे नीचे में, यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स ये 5 लाख का सिर्फ इसने दिखाया है, तो एक्सेप्शनल आइटम से भी हमें डरने की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, अच्छा है। तो मिला जुला करके जो है वो आप ये देखें
कि कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, फिनेंशियल बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, सेक्टर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, सेक्टर का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, इसके पीयर्स कंपनी देखिए आप कितने हाई वैल्यू पे जो है सो सारे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया कि ये हिडन जेम्स। तो अभी मेरे ख्याल से ये कंपनी 47 रुपये 20 पैसे पे अंडर वैल्यूड है, और इसके अंदर हमें होल्डिंग जो है वो बनाना चाहिए, ये मेरा विचार है। तो मैंने जो भी इस कंपनी के बारे में रिसर्च किया मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी द फंडामेंटल्स एंड बिजनेस क्लाइंट्स एवरीथिंग। सो जस्ट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल दिस थिंग्स, एंड दिस वीडियो हैज़ बीन यू नो मेड फॉर नॉलेज पर्पज़ ओनली। मैंने सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए इसको बनाया है, और आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बाई और सेल। तो आप जो है वो भी एक बार रिसर्च करें, देन यू डिसाइड कि आपको यू शुड गो अहेड और नॉट, इट्स अप टू यू। आप अपने नॉलेज पे जो है सो इन्वेस्टमेंट करें, एंड इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद एनी फंड मैनेजर और एनी फिनेंशियल एडवाइजर देन मस्ट गेट देयर कंसेंट ऑल्सो, उनसे भी आप सलाह कर लें, देन ओनली यू शुड गो अहेड। अदरवाइज फॉर मी दिस इज रियली अ फंटास्टिक कंपनी टू गेट इन टू। तो बहुत अच्छी कंपनी है ये, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग अपने वॉच लिस्ट में इसको रखिए, और ये कंपनी में काफ़ी मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है। और मेरा चैनल का जो ईमेल आईडी है वो है stk.learning@gmail.com। आप उस ईमेल आईडी पे मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड योर ऑल क्वेरीज। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।